नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज 24। मैं हूं आपके साथ श्वेता सिंह। खास मुलाकात में युवा कांग्रेस के नवचर्चित चेहरे माननीय कांतिलाल भूरिया के पुत्र विक्रांत भूरिया के साथ कुछ खास चर्चा में हमारे स्टूडियो पर मौजूद रहे। मध्य प्रदेश के युवक कांग्रेस में अपनी छवि स्थापित करने वाले युवा नेता विक्रांत भूरिया का युवा कांग्रेस पद में अध्यक्ष पद पर चुनाव होने वाला है। इस चुनाव में नई उम्मीद, नई कार्य की शुरुआत भी होनी है, तो उनकी जुबानी हम जानते हैं। ब्यूरो प्रमुख इमरान अली खान के साथ विक्रांत भूरिया जी की खास मुलाकात। सुपुत्र और युवा जिन्होंने आज युवा कांग्रेस का जो बिगड़ा उठाया है, निश्चित है कि उनके कांधों पर काफी लंबा बोझ है, लेकिन आदिवासी क्षेत्रों में और आदिवासी समाज के लिए जिस प्रकार से ये जो चेहरा सामने आ रहा है, तो आखिर इसमें युवाओं को लेकर विशेष क्या पहल रहेगी और जो पहली बार आदिवासियों को एक आदिवासी चेहरे को चुना जा रहा है, क्या रहेगा इसमें विशेष युवाओं के? देखिए, हमारे मध्य प्रदेश में एक चौथाई जो हमारा जनता है, एक चौथाई जो हमारे समाज है वो आदिवासी समाज है। पूरे मध्य प्रदेश में एक चौथाई आदिवासी समाज है जी। और ये पहली बार मौका मिल रहा है कि यूथ कांग्रेस में जो चुनाव लड़ रहे हैं उनमें से कोई एक आदिवासी को मौका मिल रहा है और बहुत प्रमुख दावेदारी से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं जी। तो कहीं ना कहीं हमारे समाज के अलावा भी सभी समाज में बहुत ज्यादा जोश है, जुनून है, क्योंकि मेरा यह हमेशा मानना रहा है कि आपको हमेशा कमजोर लोगों की आवाज बनना है, चाहे वो फिर किसी वर्ग का भी हो जी। और आज हमारे समाज को एक नेतृत्व की जरूरत है और हम पूरी ताकत से जो भी मदद कर सकते हैं, क्योंकि मैं अकेले के दम पर कुछ नहीं कर सकता हूं, उसमें मुझे सभी साथियों की जरूरत है, हमारे सभी दोस्तों की जरूरत है, और जो अभी चुनाव लड़ रहे हैं वो भी एक हमारी टीम का हिस्सा रहेंगे, तो उनको भी साथ में लेकर हम एक अलग ही तरह की क्रांति लाने वाले हैं। और जो भी व्यक्ति, जो भी शोषित होगा, कमजोर व्यक्ति होगा, कोई से भी समाज से होगा, उसकी लड़ाई हम जन जन तक जाकर जमीन के लेवल पर लड़ेंगे। विक्रांत जी, अभी तक का जो सफर रहा है आपका, एक राजनीतिक इस सफर में आपका जो राजनीतिक सफर रहा है, इस राजनीतिक सफर में आपने क्या क्या देखा और विशेष क्या प्रेरणा मिली है? कहा जाता है कि जिंदगी में निश्चित तौर पर अगर हम रास्ते पर चलते हैं तो कई ठोकरें मिलती हैं और हर ठोकर में एक सबक छुपा होता है, तो आपने भी जो अभी तक का जो सफर तय किया है इसमें कई प्रकार की आपको प्रताड़ना भी मिली होंगी, परेशानियां भी मिली होंगी, उन परेशानियों से आपने कुछ सीखा भी होगा, तो निश्चित क्या सीखा है ऐसा आपने जो जनता के दिलों पर आप राज करना चाहते हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैंने ये सीखा है कि जीवन में आपको जो भी मिला है वो किसी ना किसी दूसरे के कारण मिला है और भगवान के आशीर्वाद से मिला है, माता पिता के आशीर्वाद से मिला है। तो मैं हमेशा यही सोचता हूं कि मेरा अकेले में कोई शख्सियत नहीं है जी। मैं जो हूं वो अपने लोगों के कारण हूं, अपने साथियों के कारण हूं, अपने समाज के कारण बुलंदी तक लेकर पहुंचेंगे। तो जिसमें आपको ये जो चुनाव में समर्थन मिल रहा है, कैसा समर्थन है आपको, युवाओं का कैसा जोश दिखाई दे रहा है आपको, क्या कांग्रेस पार्टी अब नई करवट बदलने वाली है? प्रदेश के अंदर चेहरा नया आने से निश्चित तौर पर कांग्रेस पार्टी का जो एक वजूद है, जो वजूद पहले से ही सन 1947 से बराबर निरंतर जो चला आ रहा है, बीच में कहीं ना कहीं डगमगाई नहीं है, उसके बाद आज भवन में फंसी हुई है और उस भवन में आज विक्रांत जी को जो एक उसने विशेष सत्य सैलाब बनाया है, क्या कहेंगे इस विषय पर? देखिए, ये सबसे बड़ी जो आने वाले समय में हमारे यूथ कांग्रेस को जो जवाबदारियां रहेंगी जी, और जिस उद्देश्य से हम लोग इस चीज को आगे ले जा रहे हैं, वो सबसे बड़ा उद्देश्य यही है कि जो अभी समय हमारा कांग्रेस का चल रहा है मध्य प्रदेश में जी, उस स्थिति से उभारने का सबसे बड़ी हमारे लिए चुनौती रहेगी, क्योंकि आप देख रहे हैं नगर निकाय के भी चुनाव आ रहे हैं, जिला पंचायत के भी चुनाव आ रहे हैं, सारे चुनाव आ रहे हैं, तो एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी जो युवक कांग्रेस के माध्यम से हम सबके कंधों पर आएगी, उसको पूरा निर्वाह करने के लिए हम पूरी तरह से ताकत से तैयार हैं। और यहां पर समय समय पर सब दूर भ्रमण करना, सब जितने भी ज्यादा से ज्यादा युवाओं से मिलना, गांव गांव तक पहुंचना, और ये संगठन को हमको गली गली फलिये फलिये स्तर पर हमको इसको खड़ा करना है, उसके लिए हम पूरे प्रतिबद्ध हैं। और सब जैसे ही ये चुनाव का परिणाम आता है उसके बाद पूरे मध्य प्रदेश में सारे युवाओं को जो एक मुहिम के तहत जिनको जोड़ने का वो काम हम शुरू करेंगे। विशेष कई इरादे रहते हैं लोगों के, कई सपने रहते हैं जनता के, जहां तक सब जनता अपनी कई बातें अपने राजनीतिक नेताओं को या फिर समाज के माध्यम से कई प्रकार से पहुंचाया जाते हैं।
जिसमें अब चुनाव जो आपका हो रहा है, उस चुनाव में अगर कहीं मान के चलिए कई उम्मीदें रहती हैं, लेकिन आपके इरादे क्या रहेंगे इस चुनाव में, क्या वादे हैं लोगों से आपके? देखिए, जैसा कि आपने पहले बोला था कि मैं एक राजनीतिक परिवार से जरूर आता हूं, बिल्कुल, पर जो मेरा पूरा आप सफर देखेंगे वो पूरा सफर मेरा एक छात्र राजनीति से उभर कर एक डॉक्टर के रूप में काम करने से लेकर एक समाज सेवी के रूप में काम करने से लेकर एक नेता के रूप में उभरने तक का वो सफर रहा है। उसमें हर परिवार में उनके माता पिता का बहुत बड़ा योगदान रहता है और मेरे साथ भी उनका बहुत बड़ा योगदान है, पर मैंने जीवन में हमेशा कोशिश करी है कि अपने दम पर, अपने खुद के दम पर, ना कि पिताजी के नाम पर, जो अपने कमा सकते हैं और जो मेहनत कर सकते हैं। क्योंकि आप जानते हैं, जैसे कि जब मैंने शुरुआत करी थी अपने स्कूलिंग की, तो मेरा ज्यादातर जब मेरा जन्म भी हो तो सबसे पहले हमारी जवाबदारी बनती है कि हम एक नागरिक होने का, एक इंसान होने का फर्ज निभाए। तो इसमें ऐसा नहीं है कि कोई बहुत बड़ा एक कार्य करा है, मेरी जगह कोई और होता तो वो भी ये कार्य करता। और क्योंकि मैंने हमेशा ये रहता है कि जब आपका एक्सीडेंट या कुछ भी होता है तो आपके जो शुरू के 5-10 मिनट रहते हैं वो बहुत कीमती रहते हैं, इंपॉर्टेंट रहते हैं, बहुत रहते हैं। मतलब कि उसमें अगर उस समय में आपने वो सही निर्णय नहीं करे तो फिर आपको बहुत ज्यादा दिक्कत होती है। तो सबसे पहले कि जो स्थान पर एक जब एक्सीडेंट हुआ था तो उसमें सबसे पहले जो उस स्थान पर हमारे पास जो भी चीजें उपलब्ध थी तो उसके माध्यम से उसका प्राथमिक उपचार करा गया, उसके बाद उसको हॉस्पिटल में शिफ्ट करा गया। हमें खुशी इस बात की है कि वो अब बिल्कुल स्वस्थ है। और इस तरह के कार्य समय समय पर आपको ये एहसास दिलाते हैं कि आप जनता के लिए, जनता के लिए आप किसी नेता नहीं हो, आप जनता के लिए पहले एक जनता का हिस्सा हो जी। और मैं भी अपने आप को हिस्सा मानता हूं, तो जो भी एक जनता का, एक समाज का एक जो कर्तव्य होता है उसको मैं समय समय पर निभाता रहता हूं। तो ये है हमारे विक्रांत जी, जिनकी अगर दिल की बात करें तो निश्चित है कि दिल तो उनका काफी बड़ा है, लेकिन उस दिल में तस्वीर मात्र भारत माता की है और सेवा का भाव छुपा हुआ है। तो जहां आज हमारी चर्चा खास मुलाकात में विक्रांत जी के साथ हुई, इसी के साथ ही आज हम आपसे विदाई लेते हैं। नमस्कार। तो उनका हमेशा ये सपना रहा है कि नेता पहले बनो फिर नेता चुनो जी। तो ये जो यूथ कांग्रेस का जो पूरा पैटर्न था वो इसी इस पर था कि आपके हाथ में जब तक वोट देने का अधिकार नहीं होगा, आपको नेता चुनने का अधिकार नहीं होगा, तो आप नेता नहीं बन सकते हो। तो ये उस माध्यम से उनने देने की कोशिश करी है। और मैं आपको बता रहा हूं कि झूठ थोड़े समय तक चल सकता है, पर असलियत सबके सामने भी आएगी। और जिस दिन ये असलियत सामने लाएगी, जिसको हम आगे लाने का प्रयास कर रहे हैं और यूथ कांग्रेस के माध्यम से इसको और आगे बढ़ाएंगे, आप खुद देखेंगे कि जिस तरह का राहुल गांधी जी का नेतृत्व पूरी पार्टी को मिल रहा है, जिस तरह से पूरे देश को मिल रहा है, आने वाले समय में आप खुद देखेंगे कि ये शख्सियत देश को कितने आगे ले जाएगी और कितने मजबूती से राजनीतिक पटल पर उठेगी, आप खुद देखेंगे आने वाले समय में। जहां तक दोस्तों हम बात कर रहे हैं, विक्रांत जी ने कोरोना काल में जहां लोग घरों से नहीं निकल रहे थे, तब विक्रांत जी अपने युवाओं के साथ, अपने खास दोस्तों के मित्रों के साथ उस कोरोना को डराकर बीच में आकर जनता के बीच में मदद के, खास खाने के पैकेट पहुंचाने के लिए पहुंचे थे। विक्रांत जी का एक काम नहीं है, विक्रांत जी ने कई गरीब बच्चों के लिए ऐसे स्कूल में एडमिशन भी फ्री करवाए हैं जहां काफी संख्या में लोग लाइन लगाकर एडमिशन के लिए खड़े रहते हैं। विक्रांत जी के कई कार्य ऐसे हैं जहां युवाओं को आगे लाने के लिए उन्होंने हर प्रकार से मेहनत की है। जहां विक्रांत जी की अगर हम चर्चा रख रहे हैं, तो निश्चित तौर पर विक्रांत एक ऐसा चेहरा सामने आ रहा है जहां पर राजनीतिक अलग और जनता के मुद्दे अलग और युवाओं को आगे बढ़ाने की प्रेरणा अलग, इन तीनों मुद्दों को लेकर आज एक ऐसा चेहरा, एक ऐसी शख्सियत मध्य प्रदेश के युवा यूथ कांग्रेस की लगाम पकड़ने के लिए खड़ा है। निश्चित तौर पर हमें ऐसे युवा का साथ देना हमारा कर्तव्य भी बनता है और हमें पूरा यकीन है कि विक्रांत जी का सहयोग देने के लिए युवा भी बढ़ चढ़ कर आगे आ रहे हैं। निश्चित है कि विक्रांत जी ने जिस प्रकार से आप लोगों को अपनी कई बातें बताई हैं, उनमें कुछ यादगार बात एक ये भी है जिसमें विक्रांत जी की खुद जवानी आज आप लोगों के सामने पहुंचाते हैं। विक्रांत जी, एक चर्चा सामने आई थी कि एक बच्चा जिसका एक्सीडेंट हुआ था रोड पर, जब आपका आवागमन हुआ तो आपने उसको हॉस्पिटल तक पहुंचाया, ये क्या है पूरा मामला, थोड़ा सा विस्तार से बताएं।